देश में दिवाली की धूम शुरू हो चुकी है, बाजार भी दिवाली की तैयारियों में जुट गया है। आपके मन में भी यही सवाल होगा कि अगले संवत में कमाई के लिए कहाँ फोकस करना है। यूएस में चुनाव, मिडिल ईस्ट संकट, चाइना का स्टिमुलस, एफआईआई की बिकवाली और अर्निंग सीजन के थोड़े से प्रेशर, इन सब के बीच में कहाँ आपको ध्यान देना है। इन सब सवालों को सुलझाने के लिए और आपकी दिवाली को रोशन बनाने के लिए हम एक खास शो लेकर आए हैं। दिवाली पर कमाई की थीम पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एनाब होल्डिंग्स के डायरेक्टर मनीष चौखाने जुड़े हैं। मनीष जी एक मैक्रो पर बहुत शानदार पकड़ रखते हैं, एक एस स्टॉक पिकर भी हैं और उनका एक यूट्यूब चैनल भी है जिन पर अगर आप जाएंगे तो बहुत शानदार। मनीष जी सिंगर भी हैं और शायद जितने अच्छे वो स्टॉक पिकर हैं उससे ज़्यादा अच्छे सिंगर हैं। मनीष जी गुड मॉर्निंग, सबसे पहले दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे स्टूडियो में आने के लिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं और पिछला संवत तो बहुत ही अच्छा गया सबके लिए, आई होप आने वाला भी साल हमें ऐसे ही अपॉर्चुनिटीज़ दे। ओके, ये संवत अभी शुरू होगा खैर अगले शुक्रवार से, लेकिन इससे पहले क्या थोड़ा मार्केट कुछ रिस्क फैक्टर्स बता रहा है इस बार के जो अर्निंग सीजन आया, जो कमेंट्री आई कंपनीज की स्पेशली कंजम्पशन में, तो जिस तरीके की हमने डिक्लाइन देखी बजाज ऑटो में, हैवेल्स में, जिस तरीके के हमने रिएक्शन देखे, क्या थोड़ा सा एक रियलिटी चेक मिला मार्केट को? नहीं, एब्सोल्युटली सही कहा। और हम आई थिंक पिछले 6 महीनों से जो मैं और मेरे कॉलीग हैं मार्केट में, जो 25-30 साल से जो है ना जो है मार्केट में, सब आके ये कॉशन दे रहे हैं कि जो पोस्ट कोविड में बूम चालू हुआ था, तो जो कंज्यूमर थे वो जो के शेप रिकवरी हम बात करते हैं कि ऊपर में आके हम बड़े घर की ओर आकर्षित हो रहे थे, बड़ी गाड़ियाँ ले रहे थे, होम इम्प्रूवमेंट हो रहा था, ट्रैवल और टूरिज़्म बहुत हो रहा था, उसमें डेफिनेटली थोड़ा स्लो डाउन है। बिकॉज वो एक बार जो अनलॉक ट्रेड जिसे कहते हैं, दैट हैज़ प्लेड आउट। जो भारत सरकार के साइड से जो स्टिमुलस पैकेज मिला था बाय वे ऑफ रेलवेज, डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, वो भी आफ्टर ये इलेक्शन रिजल्ट आने के बाद वो थोड़ा डाइवर्ट हो रहा है कि थोड़ा सोशल एक्सपेंडिचर की तरफ भी जाए। एंड एक्सपोर्ट साइड में जो दुनिया में स्लो डाउन हुआ है, तो तीनों जो आपके इंजन है टू गिव यू अर्निंग ग्रोथ, दे हैव डेफिनेटली स्लोड डाउन। एंड मार्केट ऑल्सो, याद रखिए कि कोविड लो से हम 7000 के इंडेक्स से 25000 पे हैं, तो ऑलमोस्ट 3.75 गुना हो गया। एंड नॉर्मली ये देखा जाए कि अपने देश में 15% जैसी कंपाउंडिंग होके 5 साल में डबल होते हैं और 10 साल में 4 गुना होते हैं। अब वो ज़्यादा हम लोग ने उसको अपफ्रंट कर लिया, तो सम अमाउंट ऑफ कंसोलिडेशन, साइडवेज मूवमेंट की अर्निंग कैचअप हुए। एंड जो अनब्राइडल्ड बूम हुआ है अक्रॉस ऑल कंपनीज, जिनकी अर्निंग रिपीट नहीं हो पाएगी, आई थिंक देर इज़ सम रीज़न टू पॉज एंड टेक स्टॉक। एंड डेफिनेटली पोर्टफोलियोज पिछले 3-6 महीने में आपने देखा होगा, मोस्ट इन्वेस्टर्स हैव गॉन टूवर्ड्स डिफेंसिव बिजनेसेस, कि IT, फार्मा, FMCG की ओर गए हैं। द वैल्यूएशंस वर नॉट डिफेंसिव बट बिजनेसेस वर, और वहाँ भी जब हिट आना चालू हुआ तब फाइनली ये समझ में आ रहा है कि मार्केट इज़ अबाउट टेकिंग एसिमेट्रिकल बेट, कि रुपए का माल 8-9 में मिले तो ठीक है, आजकल रुपए का माल 2 रुपए में मिल रहा है। सो हर साल कमाई का नहीं होता है, कोई साल डाइजेस्ट करके बैठने का भी होता है। तो शायद ये ऐसा साल हो। नहीं, इशू क्या हो गया, मार्केट को आदत क्या लगी थी, रुपए का 2 रुपए मिल रहा था, 2 रुपए का 1.5 होता था, 1.5 पे ले लेते थे। करेक्ट, तो अभी 2 का 1.5 तो हो गया है, तो अभी भी लेकिन लेना नहीं, अभी वेट करना है। आई थिंक सी दो चीज होते हैं यहाँ, तो आपका टाइम होराइजन इतना लंबा है, जैसे आई स्पोक इन द पास्ट की इन्फोसिस जैसी कंपनी 2000 में जब टॉप बनाई थी तो 45 बिलियन डॉलर की टॉप बनी थी, और ये आज करीब 90 बिलियन डॉलर पे है। तो अगर रुपी का डिवेल्यूएशन भी लें तो 4 गुना हुआ 24 सालों में। इंडेक्स इस दौरान में उस टॉप से ऑलमोस्ट 15 गुना हो गया, 14-15 गुना हो गया। तो जस्ट बाइंग द बेस्ट कंपनी एट द रॉन्ग प्राइस विल नॉट गिव यू अ रिटर्न, और वो काफ़ी कंपनियों के साथ आज मिसप्राइसिंग चल रही है। सो आपको ये देखना है कि आपका रिटर्न एक्सपेक्टेशन क्या है और किस पीरियड में है। अगर मैं अपना होराइजन लंबा कर दूं तो मे बी सम ऑफ द कंपनीज दैट, हम लोग भी 100% कैश तो जाते नहीं है, बट सम कंपनीज में रिटर्न एक्सपेक्टेशंस हैव बिकम सब 15%, डबल डिजिट आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आज अर्निंग ग्रोथ डबल डिजिट में नहीं आ रहा है। सो जब तक वो एक्सेलरेशन वापस नहीं आएगा आपको शांति रखनी पड़ेगी। ये जो एनालॉजी आपने यूज़ की इन्फोसिस वाली, वो क्या 10 साल बाद हम HDFC बैंक को लेके भी यही कह रहे होंगे? सो ये भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया आपने, क्योंकि 2010 से 20 के बीच में जो क्वालिटी में यू नो एक्सपेंशन हुआ था मल्टीपल्स का,
तो कोटक बैंक, HDFC बैंक, बजाज फाइनेंस, इन फाइनेंशियल्स और नेस्ले या पेज इंडस्ट्रीज़ और ये सब, अगर आप देखें जब ये बुल मार्केट चालू हुआ, पिछले बुल मार्केट के लीडरों ने इस मार्केट में रिपीट नहीं किया. एंड ये बुल मार्केट चालू हुआ PSU से एंड PSU बैंक्स, तो जो इवन अदर देन PSU बैंक हम यू नो डिस्कार्ड करते थे, ICICI बैंक को या एक्सिस बैंक को, SBI को, कनारा बैंक को एंड सो ऑन, दे शोड ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ रिटर्न्स. जबकि कोटक एंड बजाज फाइनेंस एंड HDFC हैव एक्चुअली गॉन नोवेयर. सेम थिंग मुझे याद है, मेरे पास प्री कोविड नेस्ले करीब 16,000 में मैंने बेचा था. इट्स 50% अप. मार्केट इज 3.5 times. सो अंडर परफॉर्मेंस हैज कम इन क्वालिटी एंड फुल बुल मार्केट हैज बीन इन साइक्लिकल्स. सो इंडस्ट्रियल जो पुराने बुल मार्केट था 2008 का, जिसमें हमने सबको डिस्कार्ड कर दिया था, पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट, दे हैव लेड दिस बुल मार्केट. और अब उनकी वैल्यूएशन ऐसे हो गई कि ताज्जुब होता है कि लोग क्या सोच रहे हैं, इसमें क्या हो जाएगा. सो एक बिजनेस का परफॉर्मेंस होता है और एक मार्केट का परफॉर्मेंस होता है. और जब मार्केट एक्सेस डिस्काउंट करता है तो थोड़े पीरियड को आपको डाइजेस्ट करना पड़ेगा. अब कमिंग बैक टू द HDFC ऑफ द वर्ल्ड, की इतना हेटेड स्टॉक हो गया है कि आई विल नॉट बी सरप्राइज कि अगले साइकिल में नाउ दीज बैंक स्टार्ट लीडिंग अगेन. ओके, दीज बैंक स्टार्ट लीडिंग अगेन. बिल्कुल. अच्छा, एक सिंस आपने के शेप रिकवरी की बात की थी, हाँ जी, क्या मार्केट में के टॉप का रिस्क है कल? मतलब आप देखिए, ह्यूंडई का तो IPO आ गया, लिस्टिंग भी हो रही है, कह रहे हैं कि एक दो और बड़े कोरियन IPOs भी आएंगे, तो क्या वहाँ से थोड़ा सा रिस्क फैक्टर लगा? सी, पिछले 6 महीने में अगर मैं गिनूँ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, करीब $30 billion का सप्लाई आया है मार्केट में. और उस 30 billion में 15 billion हैज़ कम फ्रॉम कंपनीज विच आर रेजिंग टू ग्रो, विच इज़ अ गुड थिंग. एंड 15 billion हैज़ कम फ्रॉम प्रमोटर सेल एंड प्राइवेट इक्विटी सेल, जो कि उनके जेब में पैसा वापस जाता है और शायद घूम के थोड़ा बहुत बाजार में आता है वापस, बट इट डजंट क्रिएट प्रोडक्टिव कैपेसिटी. एंड उस लाइट में अगर आप देखें, हर देश का हर स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर, USA से चालू करें तो वर्लपूल एंड GE ने आके अपने शेयर बेचे, UK को देखें तो BAT ने आके अपना और वोडाफोन ने आके अपना शेयर बेचा, जापान में देखें तो एटलीस्ट सुमिटोमो मुझे याद है जिसने आके मदरसन बेचा, सिंगापुर से भी सिंगटेल ने आके भारतीय टेलीकॉम बेचा, तो कोरियन क्यों पीछे रह जाए, तो वो भी आ गए. और हमारे प्रमोटर भी जो इंडियन है, टाटा सन ने भी TCS बेचा, अनिल अग्रवाल ने आपके वेदांता बेचा. तो आई डोंट वॉन्ट टू गो आफ्टर द होल लिस्ट, बट जो मैं कहता हूँ नॉलेजेबल इन्वेस्टर है वो आके शेयर बेच रहा है और जो रिटेल इन्वेस्टर है वो खरीदते जा रहा है. और इसमें मुझे एक बहुत अच्छा वाक्य याद आता है मार्क फेबर का, वो बोलते हैं बिगनिंग ऑफ द बुल मार्केट में द प्रमोटर हैज़ द विजन एंड द इन्वेस्टर हैज़ द मनी, बाय द एंड ऑफ द बुल मार्केट द प्रमोटर हैज़ द मनी एंड द इन्वेस्टर हैज़ द विजन. इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही है लेकिन मनीष जी, सिंस आपने वर्लपूल का एग्जांपल लिया था, वर्लपूल के प्रमोटर ने माल बेचा, उसके बाद वो CNBC US में बैठे थे, वो उनसे पूछा कि क्यों बेचा, उन्होंने कहा कि हमारा स्टॉक बहुत महंगा था, वो वहाँ से डबल हो गया स्टॉक. और मतलब जितने भी आपने एग्जांपल्स दिए वो सारे के सारे स्टॉक उसके बाद भी चले. तो मतलब ये कहीं ना कहीं क्या ये बुल मार्केट की पावर बता रहा है, और क्या एक तरीके से मार्केट में एक रिस्क है कि एक मेल्टअप जैसा फेज, कि अगले 2-3 सालों में एकदम मेल्टअप आ जाए, जितना भी गेंस है, ये आई थिंक आपका पहले वेल डॉक्यूमेंटेड व्यू रहा भी है कि पूरा फ्रंट लोडेड हो जाए. राइट, आई थिंक सो. कि मैंने पहले भी कहा आपके अर्लियर इंटरव्यूज़ में कि हर दशक में जब से US ने गोल्ड स्टैंडर्ड को अबैंडन किया, वो एक्सेस मनी जो प्रिंटिंग होती है वो कहीं ना कहीं जाके उछलती है. तो 60s में जो Nifty 50 स्टॉक हुए थे अमेरिका में, वॉल्ट डिज्नी, कोडैक और ये सब, 70s में आके उसने ऑयल मार्केट में जब बूम हुआ था तो गोल्ड एंड सिल्वर का टॉप बना था. 80s में ये इमर्जिंग मार्केट्स में आया, उस टाइम इमर्जिंग मार्केट वाज जापान एंड ताइवान और वहाँ पे टॉप बना 40 साल तक रहा. 90s में नैसडैक का टॉप बना जो 2000 में जाके पीक हुआ. 2000 से 2010 में ब्रिक्स कमोडिटीज़, माने चाइना एंड कमोडिटीज़ वाज द थीम ऑफ दैट डेकेड. 2010 से 2020 वाज टेक एंड फैंग, जिसको इन्होंने एक्सटेंड कर लिया है विद मनी प्रिंटिंग आफ्टर कोविड. ये दशक इज द डेकेड ऑफ अगेन हार्ड एसेट्स, कि इसमें कमोडिटीज़, और इस टाइम गोल्ड, सिल्वर, यूरेनियम में जो आप ब्रेकआउट देख रहे हैं, आई थिंक द प्राइसेस विल बी फार हायर देन व्हाट पीपल कैन इमेजिन. एंड इंसिडेंटली 20 साल का जो रिकॉर्ड है, गोल्ड एंड सेंसेक्स रिटर्न्स आर द सेम. तो हम इतना मेहनत करते हैं, शेयर ढूंढते हैं, मेरी वाइफ इज़ परफॉर्मिंग बेटर देन मी, सो मे बी दिस इज द दिवाली फॉर द वाइफ टू सेलिब्रेट. बट हैविंग सेड दैट, आई डू थिंक कि ये डेकेड में इमर्जिंग मार्केट्स, एंड हम अपनी डेमोग्राफिक डिविडेंड पे बहुत ध्यान देते हैं,
बट इंडोनेशिया जैसा मार्केट भी बहुत पीछे नहीं है और इंटरेस्ट रेट भी वहाँ कट होने वाले हैं. तो आई थिंक देर इज बैक टू दिस पीरियड ऑफ हार्ड एसेट्स एंड लाइक आई सेड कमोडिटीज एंड प्रेशियस मिनरल्स. ओके, आपने एक चीज कही थी कि इन्वेस्टर्स मस्ट बाय वेयर अर्निंग्स ग्रोथ एंड सस्टेनेबल आरओई इज लेस देन मल्टीपल बीइंग पेड. करेक्ट. तो हमारे जो व्यूअर्स उनको समझाता हूँ, बेसिकली अच्छी कंपनियाँ ठीक भाव पे खरीदनी है. right. ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं क्या इस समय मार्केट? सी, द गुड थिंग अबाउट इंडिया इज कि इतना वाइड हो गया ये बेस कि आज भी आई लव गिविंग द स्टैटिस्टिक कि 130 कंपनी में 75% हिंदुस्तान खत्म हो गया इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप. कि 11 कंपनी में 25% आ गया, $1.2 trillion जैसी मार्केट कैप है 11 कंपनी में. उसकी अगली 30-31 कंपनी में अगला $1.2 trillion आ गया. उसके बाद करीब 80 कंपनी है, 80-85 कंपनी है जिसमें नेक्स्ट 1.2 ट्रिलियन आया. तो 132 कंपनी में 75% हिंदुस्तान ख़त्म हो गया. बट जो टेल है 370 उसके बाद के जो हैं उसमें इतने कंपनीज बढ़ चुके हैं. एंड ऑल्सो साइज़ जो हो गई है अभी कि छोटी कंपनी आज हम लोग स्मॉल कैप को गिनते हैं $3 billion, 25,000 crore पे तो स्मॉल कैप मानते हैं उसको. सो हर सेक्टर में आज अपॉर्चुनिटी है. और ये रोटेटिंग बुल मार्केट जैसे मैंने कहा कि अगर ये चालू हुआ, डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवेज, कैपिटल गुड्स, रियल एस्टेट, ट्रैवल, टूरिज्म, दे हैव ऑल बीन पुल्ड टू एन एक्सट्रीम. लाइक द स्टॉक ऑफ लास्ट ईयर हैज बीन से ट्रेंट एंड जोमाटो, अगेन फैंटेस्टिक कंपनीज, बट द प्राइसेज हैव बीन पुल्ड टू एन एक्सट्रीम कि टू सी रिटर्न्स इन अ 10-year परस्पेक्टिव इज डिफिकल्ट फ्रॉम हियर, इवन दो दे परफॉर्म वेरी वेल. तो अगर जो जैसे आप बोरिंग स्टॉक देखते हैं एक एंड में, आपको जैसे HDFC बैंक का आपने जिक्र किया, या नीचे देखें रिन्यूएबल्स की थीम अच्छी चल रही है, या आई एम जस्ट थिंकिंग मैंने भी क्या किया लास्ट, एयरलाइंस फॉर एग्जांपल स्टिल डूइंग वेल एंड लॉट ऑफ स्कोप ओवर देयर, व्हिच आर नॉट ट्रेडिशनली द बेस्ट बिजनेसेस टू पुट मनी, बट लाइक आई सेड एसिमेट्रिकल बेट कि रुपए का माल आठाने में मिल रहा है या इसका चांस है कि मैंने रुपया भरा है पर इसकी अर्निंग दो हो सकती है. वहाँ पर खाली हमें देखना है. ओके, एक काम करते हैं, छोटा सा ब्रेक लेते हैं. जो एग्जाम्पल दिए मनीष जी ने, थोड़ा उन्हीं पर बात करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद. ओके, चलिए अब हम ब्रेक के बाद, ब्रेक से पहले रादर कुछ एग्जांपल्स की बात कर रहे थे, उन पर बात करते हैं मनीष जी के साथ. मनीष जी, आपने दो एग्जांपल लिए, जोमैटो और ट्रेंड. मैं जोमैटो से शुरुआत करता हूँ. पहले जोमैटो का आईपीओ आया, शानदार लिस्टिंग हुई, उसके बाद बड़ी करेक्शन आई स्टॉक में, 52-55 तक आया, वहाँ एक बॉटम बना, वहाँ से लेकिन अब इस लेवल पर आ गया है कि शायद निफ्टी का स्टॉक भी बन जाए. इसकी कहानी से क्या लेसन मिलते हैं और क्या अब ये स्टॉक जो है वो एक्सट्रीम पेसिमिज्म से कंप्लीट यूफोरिया में आ गया वापस? या सो सी, मैं नॉर्मली स्टॉक के बारे में आई डोंट लाइक टू स्पीक एंड इट्स अ ग्रेट कंपनी व्हिच आई हैव ग्रेट एडमिरेशन फॉर एंड वी हैव आल्सो बेनिफिटेड फ्रॉम इट. बट बिकॉज आई गेव यू इन्फोसिस एग्जाम्पल व्हिच इज आवर डियरेस्ट क्लोजेस्ट टू हार्ट कंपनी, इसकी भी आई गिव इन दैट मैनर दैट आज ये $30 billion रफली मार्केट कैप हो गया है एंड दे आर सो स्मार्ट कि उन्हें भी पता है कि यू नो वैल्यूएशन इज फैंटेस्टिक, इसलिए वो भी शायद आगे अपना QIP कर लें एंड टेक्टिकली ऑल्सो इज द राइट थिंग टू प्रीएम्प्ट व्हाट स्विगी इज ट्राइंग टू डू. बिल्कुल, व्हाट दे हैव बिल्ट एज अ बिजनेस, हैट्स ऑफ, फैंटेस्टिक. बट अगर आपको $30 billion की कंपनी यानी कि 2.5 lakh crore से ज़्यादा मार्केट कैप हो गया है एंड लाइक आई सेड आर रिटर्न एक्सपेक्टेशन है कि 10 साल में एटलीस्ट 4 गुना हो जाए, तो 30 से 120 billion की जर्नी होगी. यानी 10 lakh crore का मार्केट कैप होना चाहिए. 10 साल में द कंपनी विल बी फेयरली अ बिल्ट आउट कंपनी. लाइक टुडे वी काउंट इन्फोसिस वाज अ देन अ ग्रोथ कंपनी, नाउ इट्स अ फेयरली बिल्ट आउट कंपनी. लेट्स से 30 का पी हो गया तो आपको ऑलमोस्ट $3-4 billion प्रॉफिट कमाना है. आज आपका प्रॉफिट समझिए कितना, 100-150 million है. तो जो मल्टीपल है इज पेइंग सो मच फॉर द फ्यूचर कि प्रॉफिट मस्ट ग्रो 3 times of your expected return in the stock annually, which is very difficult to do. I'm not saying it's impossible, but like I said, asymmetrical bet. 50-75 में तो पूरा गांव टूट गया था उसके ऊपर.
कि इफ़ यू डिवाइड आज कितना 350 का भाव है एंड इसको आप से डिवाइड बाय 50 ना करो 60 भी कर लो तो भी 4.5 चार पाँच बिलियन में जब आप ले रहे थे आप 10 साल में मेरा 10 गुना हो सकता है क्या? 50 बिलियन हो सकता है, चांस है, संभावना है, बट 30 आज ही कर दिया आपने तो 50 का ऑड्स इज नॉट इंटरेस्टिंग फ्रॉम टुडेज पॉइंट के हिसाब से थोड़ा सा। सो लाइक आई सेड कंपनीज आर ऑलवेज ग्रेट, व्हाट द इन्वेस्टर हैज टू डू इज इन्वेस्टर्स बिजनेस। कि आज आप प्राइसिंग रॉन्ग कर दें देन यू कांट ब्लेम इन्फोसिस। अगर 16,000 में आपने इन्फोसिस ले लिया था 2,000 में, यू कांट ब्लेम इन्फोसिस फॉर दैट। कंपनी परफॉर्म्ड हर साइकिल में देखा गया। उसके पहले 90s के दशक में हिंदुस्तान लीवर होता था, हर दिवाली शो में हिंदुस्तान लीवर का रिकमेंडेशन होता था। 12 साल नो परफॉर्मेंस, फिर इन्फोसिस एंड ऑल दी अदर्स। विप्रो तो खैर 24 साल से परफॉर्मेंस नहीं हुआ है इन द स्टॉक, ऑल्दो दे हैव डन वेल एंड हैड्स ऑफ टू व्हाट मिस्टर प्रेम जी हैज अचीव्ड। बट सेम वे 2008 का जो टॉप बना था, लाइक आई सेड डीएलएफ, रिलायंस, हाउ लॉन्ग इट टुक टू कम बैक फ्रॉम दैट साइकिल। आज आप बात कर रहे हैं जैसे एचडीएफसी कोटक के बारे में, इट टेक्स 10 इयर्स टू कम बैक फ्रॉम द प्रीवियस हाइस एंड कंपाउंड। एक्चुअली वी आर इंटरेस्टेड इन कंपाउंडिंग, कंपनी डज वेल, इन्वेस्टर का एंट्री पॉइंट इज द प्रॉब्लम। ओके, तो बेसिकली जरूरी नहीं कि अगर ग्रेट कंपनी हो, ग्रेट स्टॉक भी हो, वो व्हाट प्राइस यू आर बाइंग वो इंपॉर्टेंट है। अच्छा, रिटेल का भयंकर पैसा आ रहा है मार्केट में। आई थिंक एक ऐसा लग रहा है कि रिटेल डर ही नहीं रहा है इस मार्केट में। कोई करेक्शन आए, छोटी बड़ी सब में बाइंग आ रही है। उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्लियरली विजिबल है मार्केट पार्टिसिपेंट स्टॉक्स पर, चाहे वो बीएससी का स्टॉक हो, चाहे वो एचडीएफसी एएमसी का स्टॉक हो, मोतीलाल हो, कुछ भी आप उठा के देख लीजिए, एंजल उठा के देख लीजिए। क्या ये स्पेस आगे जाकर इसी तरीके से कंसिस्टेंटली डिलीवर कर सकती है? सिद्ध, अगेन आपके ही शो पे आके मैंने यू नो मार्केट स्टॉक्स के बारे में शायद 2 साल पहले बात की थी। And AMCs were hated because SEBI was clamping down at that time, the way it is happening today with exchanges and derivatives. So when there is fear and uncertainty, that's when you get prices. Today there is no fear and uncertainty about all the market participants, and I am a creature of the market. Market bhi cyclical hai. Jaise humne kaha ki agar ye market excess ho jata hai, to isme jab correction aayega, to the same companies may not be able to deliver even the current earnings. They may fall back by 1 or 2 years. तो अगर आप में ये बिजनेस की समझ है और यू वांट टू होल्ड थ्रू द साइकिल, देन इट मेक सेंस। बट आई डोंट थिंक वी कैन एक्सट्रापोलेट इन अ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि पिछले 7-8 सालों में लोगों ने लॉस देखा ही नहीं है इस मार्केट में। बिल्कुल। तो ऐसा 1 साल 1.5 साल अगर ऐसा आए, एंड आई डोंट विश इट एवर कम्स टू एनीबडी, बट अगर ऐसा आए तब ये रियलाइजेशन होता है कि हाँ ये तो साइक्लिकल धंधा है। एंड जैसे 2008 की क्राइसिस में सब भाग के पैसा डाल रहे थे SBI डिपॉजिट में और HDFC डिपॉजिट में, आज उसका एकदम रिवर्स चल रहा है कि सब भाग के जल्दी जल्दी पैसा निकाल के म्यूचुअल फंड में डालो। तो ये जब साइकिल प्ले आउट होते हैं देन यू गेट रिवर्जन बैक टू मीन, एंड आई डू थिंक कि थोड़ा ओवर स्ट्रेच हैं हम। ओके, थोड़ा सा स्पेस में ओवर स्ट्रेच। तो मनीष जी, फिर इन सब का बेसिक सार क्या है? अब इन्वेस्टर क्या एक्सपेक्टेशन रखे, ना सिर्फ अगले समर के लिए बट अगले 4 से 5 साल के लिए, क्योंकि उससे ज़्यादा खैर विजिबिलिटी भी नहीं होती। तो क्या एक व्यू रखा जाए? मैंने ये आज की बात नहीं है, 25-30 साल का रिकॉर्ड है कि इंडिया में करीब 13-15% अर्निंग कंपाउंड होती है। और जब आप ऑप्टिमिज्म के वातावरण में खरीदते हो, जैसे कि आज है, आज तो खैर ऑप्टिमिज्म से भी ज़्यादा है, नॉर्मली मार्केट 20 के मल्टीपल पे टॉप बनता था एंड 12 के मल्टीपल पे बॉटम बनता था। तो अगर आप 12 के मल्टीपल पे खरीद रहे हो और कंपाउंडिंग ऑफ अर्निंग इज़ 15% प्लस, और वो साइकिल में जब कैचअप होके 20-24% हो गया था जैसे पिछले 3 सालों में हुआ था, तो भयंकर रिटर्न आता है। अब एकदम रिवर्स चल रहा है कि 23 के मल्टीपल पे आप फॉरवर्ड पे खरीद रहे हो एंड अर्निंग ग्रोथ इज सब 10। सो इट इज़ लाइकली टू इधर हैव लॉन्ग कंसोलिडेशन पीरियड और देर विल बी सम करेक्शन जिसमें आपको एंट्री पॉइंट मिलेंगे। सो एज अ इन्वेस्टर आज से अगर आपको कंपाउंडिंग देखना है, फ्रॉम हियर इफ यू गेट डबल डिजिट आई थिंक यू शुड बी वेरी हैप्पी, इट्स स्टिल बेटर देन व्हाट यू गेट इन द बैंक। बट इफ़ यू आर एन अलर्ट इन्वेस्टर और ये या तो कंसोलिडेशन फेज में कुछ मिल जाए या कोई ना कोई स्टॉक में क्रैक होते ही हैं, जैसे बेस्ट सेक्टर है आज EMS इज ग्रोइंग 60-70% कम्फर्टेबली, वहाँ पे भी एक स्टॉक है जो 40% डाउन है फॉर एग्जाम्पल। सो ऐसा नहीं है कि आपको हर वक्त 100% मार्केट में रहना है, एंड यू मे गेट अ चांस टू स्विच फ्रॉम ए टू बी इन अ सेक्टर विच यू नो एंड अंडरस्टैंड बेटर देन समबडी एल्स एट अ प्राइस विच इज डिफेंसिबल। बिकॉज हमारे हाथ में इन्वेस्टर के पास एक ही वेपन है, एंट्री पॉइंट। बाकी तो सारा मार्केट डिक्टेट करता है और मैनेजमेंट डिक्टेट करता है, तो एंट्री पॉइंट पे अगर आप जिद पे नहीं अड़े रहेंगे, आई थिंक यू पे अ कॉस्टली लेसन देन।
ठीक है, एक आखिरी सवाल, स्टॉक्स में चलो क्रैक आ गया नहीं आया अलग बात है, मार्केट स्पेसिफिक अगर क्रैक आ रहा है, मतलब जैसे हमने 2008 से पहले वाली बुल मार्केट में 3-4 30% करेक्शन प्लस देखी थी, इस बार तो 6% पे लोग घबरा जाते हैं, तो उसके लिए क्या फैक्टर होगा, क्या ऐसी चीज़ आएगी जिससे मार्केट क्रैक करेगा? सी वॉट एवर वी नो नॉर्मली इज नेवर द रीजन, बट देयर आर 5 things आई थिंक अबाउट. ओके, नंबर 1, दुनिया में डेट बबल बहुत भयंकर है, बहुत ही भयंकर है, एंड दैट इज वॉट इज गिविंग राइज टू द राइज ऑफ गोल्ड एंड बिटकॉइन एंड सिल्वर एंड यूरेनियम एंड ऑल. सो इट इज़ अ एंटी डॉलर विच इज स्टिल बेटर देन यू के पाउंड और ब्रिटिश येन एंड यूरो एंड ऑल. द डेट प्रॉब्लम सम डे इज गोइंग टू ब्लो एंड इट्स अ बिग प्रॉब्लम. दूसरा, जो टेक्नोलॉजिकल डिस्रप्शन हो रहा है, कहाँ से आके हिट करता है आपको पता भी नहीं चलेगा. कि आपकी कंपनी ओवरनाइट, आप सोचते थे कि ये मारुति 65% मार्केट शेयर है, जैसे चाइना में देखा गया 60% मार्केट ईवी पे चली गई है. सो टेक डिस्रप्शन अफेक्ट्स एवरीबडी, आवर फेवरेट आईटी सेक्टर, आवर फेवरेट फार्मास्यूटिकल सेक्टर, एवरी सेक्टर. इट्स हैपेंड इन आवर मीडिया सेक्टर फॉर एग्जांपल. सो नंबर 2 इज टेक डिस्रप्शन. थर्ड इज जियोपॉलिटिक्स, अनप्रिडिक्टेबल है और ये न्यू गेम चल रहा है टू पॉस्चर. अब कहाँ पे वॉर छिड़ जाए, कहाँ पे क्या उसका रिएक्शन हो जाए, उस पे रेड सी में शिपिंग नहीं जा रही है, तेल नहीं पहुंच रहा है, क्या होता है, जियोपॉलिटिक्स इज 3. नंबर 4 इज द इंटरनल पॉलिटिक्स इज बिकमिंग सो डिविजिव इन एवरी कंट्री. बिल्कुल, ये एकदम एक्सट्रीमिज्म पे आ गया है. यूरोप में वॉर है इंटरनली, अमेरिका में वॉर चल रहा है इंटरनली, इसके क्या रेपरकशन और क्या आउटकम हो, बीच में कुछ नहीं है. सो मॉडरेशन इन द वर्ल्ड जो कि हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं पिछले 40 साल में, जो ग्लोबलाइजेशन हुआ था, वन वर्ल्ड वन इकोनॉमी, वो ब्रेक डाउन है एंड दैट इज इन्फ्लेशनरी, इनहेरेंटली दैट इज इन्फ्लेशनरी. ठीक बात है. एंड दैट्स व्हाट गिव्स राइज टू हार्ड एसेट प्राइसेस अगेन. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज क्लाइमेट चेंज. कि आज अपने बैंगलोर यू नो डूब गया था और हम प्रोजेक्शन कर रहे हैं कि यहाँ पे 20% ग्रोथ आएगा, जब आदमी घर में ही सेफ नहीं है, ऑफिस कहाँ से जाके काम करेगा इवन इफ यू डू वर्क फ्रॉम होम. ठीक बात है. बॉम्बे में ये हो सकता है, दिल्ली में हो रहा है. सो अक्रॉस दिस इज अ प्रॉब्लम विच हैज टू बी सॉल्व, बट ऑल दीज आर ऑल्सो अपॉर्चुनिटीज. कि क्लाइमेट चेंज सॉरी इज ऑल्सो एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू. वाई वी आर प्लेइंग इन टू दिस होल थीम ऑफ एनर्जी ट्रांजिशन रिन्यूएबल्स इज एग्जैक्टली इन दैट थीम. वाई यू आर स्टिल कॉन्फिडेंट अबाउट टेक्नोलॉजी डिफेंस इसकी, दे विल प्ले इनटू दिस थीम. बिल्कुल. करवा चौथ का चांद भी ऐप में देखना पड़ता वो चांद तो दिखाई नहीं था. चलिए मनीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपको दिवाली की बहुत 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 शुभकामनाएं. थैंक यू. चलिए तो फिर इस खास कवरेज में इतना ही, आप जुड़े रहिए CNBC आवाज़ के साथ.